आज का टॉपिक है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्रोग्रामिंग में हर ऑपरेटर का अपना प्रेसिडेंस या इम्पोर्टेंस होता है। जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाईएस्ट होता है एक्सप्रेशन में, वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू 3 × 5 + 2 या फिर आंसर इज इक्वल टू 2 + 3 × 5, तो दोनों का ही आंसर आएगा 17, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस प्लस ऑपरेटर से ज्यादा है। इसलिए 3 × 5 होगा 15 और उसके बाद उसमें 2 ऐड होगा और आंसर में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 17। अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्रेसिडेंस सेम होता है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन है और डिविजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं 13 × 2 / 4 × 2, तो उसका आंसर आता है 13। लेकिन अगर हम लिखेंगे 4 × 2 / 13 × 2, तो उसका आंसर आएगा 1.23। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए यहाँ पे देखा जाता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब ये देखा जाएगा कि ये जो ऑपरेशन है, ये लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगा या राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होगा। एसोसिएटिविटी हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन है वो है 13 × 2 / 4 × 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इसलिए सबसे पहले होगा 13 × 2, दैट इज 26। अब 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.5, और 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट होगा 13। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है 4 × 2 होगा 8। अब 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0.615। अब 0.615 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो हो जाएगा 1.23। अब देखते हैं कि कौन से ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है और क्या एसोसिएटिविटी है। अब इस चार्ट से हमें एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के बारे में पता चल रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ कोड एक्सप्रेशंस देखते हैं, जैसे कि इंट एक्स इज इक्वल टू 5 है। यहाँ प्रेसिडेंस के हिसाब से प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा और एक्स का वैल्यू होगा 6। अब हमारा इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन है जेड इज इक्वल टू 5 + 6 × 5 + 6। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, 6 × 5 होगा 30। और अब इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन है जेड इज इक्वल टू 5 + 30 + 6 यानी 41। अब प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे लास्ट होगा पोस्ट डिक्रीमेंटेशन ऑफ वाई, तो वाई का वैल्यू है 4। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, यहाँ एक्स है 10, वाई का वैल्यू है 5 और जेड का वैल्यू है 9। अब प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले y निगेट होगा, यानी अब y का वैल्यू है -5। अब क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू का एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट, सबसे पहले होगा x प्लस इक्वल टू y, यानी x इज इक्वल टू x प्लस y, दैट इज x इज इक्वल टू 10 + -5, तो x हो गया 5। अब होगा z इज इक्वल टू z प्लस एक्स, यानी z इज इक्वल टू 9 + 5, तो z होगा 14।